नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। एक चीज हमें जानना था कि एक्चुअली अभी तक हमारी जो सेना है वो 4 स्ट्राइक कर चुकी है, 2 म्यांमार में उग्रवादियों पर और 2 पाकिस्तान में आतंकवादियों पर, जो फेमस रही। लेकिन एक चीज नहीं समझ आती देश की जनता को कि जब पाकिस्तान पे हमारी सेना स्ट्राइक करती है तो उसका सबूत मांगती है, और जब म्यांमार पे करती है तो कोई सबूत नहीं मांगती। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को राजनीति के दायरे में लाना चाहते हैं। सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर किसी को भी शक नहीं करना चाहिए। सेना ने माकूल जवाब देने का काम किया है, हमें उनकी स्तुति और उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। सर, ये जो आपकी सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान शुरू की थी, इसमें सरकार को कितनी सफलता अभी तक मिली? चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत वर्ष में सड़कें बन रही हैं। NH के माध्यम से भी बन रही हैं, आउटर रिंग रोड भी बन रहे हैं, और प्रदेश के विभिन्न विभागों के द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। सर, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में और इस समय 2019 के लोकसभा इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि देश का मूड क्या है? देखिए, 2014 में मोदी जी की लहर थी पूरे देश में, और इस बार विपक्षियों के लिए पूरे देश में मोदी जी की कहर है, राजनीतिक कहर है, जिसमें उनका सुपड़ा सब साफ होने की संभावना है। तो ये दोनों में अंतर है इस बार। सर, पिछली बार प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रचार नहीं की थी, खुल के सामने नहीं आई थी, इस बार वो खुल के मैदान में है। आपको क्या लगता है कि उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव? आप पिछली रिकॉर्डिंग में उठा के देखिएगा तो आपके प्रश्न अपने आप में लग जाए। तो पिछले बार भी इन्होंने किया था, और पिछले बार के पिछले बार भी किया था। कि उनका काम है अपने पार्टी के लिए प्रचार करना, उनका अधिकार है। सर, लखनऊ में खुर्रम नगर से रहीम नगर की रोड है, पिछले 2 साल से बन रही है और वो भी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। देखिए, ये लोकल चीज़ों के बारे में लोकल लोग बेहतर बता पाएंगे, अगर कहीं काम अधूरा हो तो उसको पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ दिनेश शर्मा जी थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।